हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शाहिद रेहान एंड आप देख रहे हैं इंडियन ड्राइवर। तो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ यहाँ से शुरू होता है। मैंने मेरा ट्रक लोड कर लिया है, सारा कुछ डन है एंड अब निकलने की बारी। तो चलो फटाफट से ट्रक में बैठते हैं, उसके बाद निकलते हैं उसेगढ़ की तरफ। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, काफ़ी मतलब नज़दीक जाना है। सबसे पहले ये एसी का थोड़ा सा फैन स्लो करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। राइट, सो पहला गियर लग गया एंड अब निकलने की बारी। ये रहा सारा कुछ, ओके, चलो निकलते हैं गाइस। सो ऐसा कुछ है सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ से लोड कर लिए, यहाँ से पहले उसेगढ़ जाना है। उसेगढ़ जाकर दो संदूक खाली करना है जो भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ से दो और खाली लोड करना है, उसके बाद उसे फिर लेकर कसब जाना है। फिर कसब सारा खाली करके फिर मतलब वहाँ से लोड करके फिर से वापस उसेगर आना है, वहाँ खाली करना है, फिर वापस देखेंगे कहाँ पर जाना है। तो दोस्तों चलो हाईवे पे मिलता हूँ मैं आपको, उसके बाद फिर आगे की बातें। सो गाइज, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। ये मेरे सामने सकरा यूनिवर्सिटी है, ये अपने सामने हाईवे आ गया। तो यहाँ से इंडिकेटर देते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा काम जो होता है सीट बेल्ट पहनना, ठीक है। सीट बेल्ट अब जैसे हाईवे पे चढ़ते हैं तुरंत आपको पहन लेना चाहिए, वरना जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है, कल मुझे कितना लंबा तगड़ा फाइन पड़ गया था। सो इसीलिए गाइस, एंड ये रही मेरी ब्यूटी ड्रीम कार। ड्रीम कार ये तो नहीं है बट स्टिल मुझे अच्छी लगती है, ठीक है भाई साहब। वैसे मेरी ड्रीम कार जी वैगन है, देखो फ्यूचर में क्या होता है। सो अब हाईवे पे चढ़ते हैं, यहाँ से कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही, ठीक है, बिल्कुल फ्री है हाईवे अपने लिए। इंडिकेटर मैंने ऑलरेडी दे दिया, ठीक है। ये है सकरा यूनिवर्सिटी, यहाँ से बड़े बड़े लोग निकलते हैं, लाइक डॉक्टर, MBBS, यू नो। एंड यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, सो अभी तो अपने में डीजल फुल है, सो डीजल डालने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, हमें सीधा बस निकलना है। सो अब चलते हैं आगे, फिर आगे की सारी चीजें। सऊदियों का घर, एंड ये रही मेरे सामने एक GMC। भाई साहब बाहर से तो स्टिल इतना खूबसूरत नहीं लगता देखने में, बट जब आप अंदर जाते हैं ना इनके घरों में, भाई साहब कतई स्वर्ग, मतलब क्या जिंदगी तो यही लोग जी रहे हैं। बाकी हम लोगों की तो जिंदगी क्या मैं बोलूँ अभी, ठीक है। ये देखो, ठीक है, पूरा काफ़ी लाइक मस्त होता है यार इनका घर, ठीक है। अब ये वाला आगे वाला घर पे ज़रा एक नज़र मारो, वो क्या घर है भाई। इंडिया में क्यों नहीं डीजल निकला यार, भाई फक देख रहे हो भाई, बंगलो है, पूरा बंगलो का तैया। सो गाइस, यही सब देख देख के काटना पड़ता है, सच में घर काफ़ी लोगों का खूबसूरत होता है। एक्चुअल में फार्मिंग भी होती है, जैसे कि खजूर के पेड़ उगाए जाते हैं, बोल भी नहीं बना मेरे लिए। सो खजूर के पेड़ यहाँ पर उगाए जाते हैं,
कुछ ऐसी चीज़ें जो बकरी वगैरह को खाने वाली होती हैं, बरसीन भी बोलते हैं अपने यहाँ पर, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, ठीक है, कुछ ग्रीनरी टाइप का होता है। सो गाइज, अब ये यहाँ से हम लोगों को टर्न करना है कल कसब के लिए। एंड ये मतलब भाई रेत के टीले देखो कितने रेड हो रखे हैं ना, कैमरे में पता नहीं वैसा पता चल रहा होगा कि नहीं, बट मुझे, मैं मेरी आंखों से देख पा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा रेड है। एंड यहाँ से इंडिकेटर दे लेते हैं, यहाँ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। आ रही है, गाड़ी आ रही है काफ़ी स्पीड में। बचा के मतलब भाई देख के, कभी भी जब आप टर्न करते हैं हाईवे वगैरह पे, देन आपको देख के करना चाहिए, अदरवाइज आप केल लग सकते हैं। सो एवरीवन, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अलकसब एंड गाड़ी मेरा लोड हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, उस साइड में एक फोर क्लिप मेरा गाड़ी लोड कर रहा है, ठीक है, ये ठीक है। सो अब गाड़ी लोड होने लग रहा है एंड गाड़ी लोड होते ही फिर यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, अलकसब खाली करना पड़ेगा, उससे घर खाली करना पड़ेगा, कुछ बाकी का बचा हुआ लेकर सकरा जाएंगे। सो दोस्तों, मेरा बताने का मतलब यही है कि ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में अगर आप आते हैं देन आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है, ज़्यादा मगजमारी वाली नहीं है जैसे पिछली बार मेरी थी, ठीक है, 24 घंटे, आपको लाइक 12 घंटे आपको कंटिन्यूसली चलना होता है, इसमें मेरी मर्जी होती है, जहाँ मुझे रुकना है, मुझे चाय पीना है तो मैं रुक सकता हूँ, पी सकता हूँ। ये अपना दोस्त है, ब्लॉग बना रहा हूँ, यस ब्लॉग है। सो भाई काफ़ी इम्प्रेस हुआ मेरा चैनल देखकर, उसमें 4000 सब्सक्राइबर भी, इसे यार बढ़ाकर 1 लाख क्यों नहीं करते। अभी मैं लाइक प्रमोट भी करने वाला हूँ अपने चैनल को, देन एक अच्छे लेवल पर लेकर जाएंगे। सो यही होती है लाइफ गाइज, ठीक है, अगर आप आ रहे हैं, ठीक है, तो आ सकते हैं, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। वैसे भी इंडिया पाकिस्तान में अब कुछ बचा नहीं है, ट्रक ड्राइवर वहाँ पर कमा नहीं पा रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं है यहाँ पर। मुझे इतना दिन हो गया, पिछली बार मैंने 3 साल सस्पेंड किया था, मुझे कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने मुझे कुछ ऐसा बैड कहा हो या ऐसी चीज़ें कही हो जिससे मुझे हर्ट हुआ हो। एंड यहाँ पर काफ़ी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं, हाँ, ऑल्दो वेदर यहाँ का थोड़ा सा बैड है, बट स्टिल आप एसी के अंदर होते हैं, दिन वेदर से आपको कुछ मैटर नहीं, आप बाहर थोड़ी ना काम कर रहे हैं। सो यही सारी चीज़ें हैं। एंड सेकंड थिंग की अगर आप यहाँ का लाइसेंस ले लेते हैं देन आपको फ्यूचर में मूव करने के लिए कनाडा, यूरोप, कहीं पर भी अगर आपका सपना है तो आप मूव कर सकते हैं इजीली यहाँ के लाइसेंस पे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है, आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बस यहीं पर एंड करते हैं, गाड़ी लोड हो रहा है, फिर आगे की बातें क्या, दैट्स इट। सो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड टिल देन एज ऑलवेज गुड बाय।